नमस्कार अम्बरीजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली 2024 सीयूटी पीजी का एग्जाम कंप्लीट होने वाला है। 28 मार्च के बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज जिसमें बहुत भारी संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली इस टाइप के जो कॉमेंट्स हैं या इंस्टा पे डीएम है वो आ रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम तो हो गया लेकिन अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो प्लीज क्या प्लानिंग हमें करनी चाहिए, क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, या फर्दर अब वो प्रोसीजर क्या है एग्जाम के बाद का, प्लीज आप समझा दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ और 3-4 पॉइंट भी बताने वाला हूँ जो बेहद जरूरी है आप सभी को जानना। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और हाँ, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि एक्चुअली नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। तो ये जो वीडियो है ये होने वाला है 2024 के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे अभी इस बार किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं ये उनके लिए होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो एग्जाम जैसा भी गया हो उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो एग्जाम दे के आए हो वो सेटिस्फाइंग है कि नहीं अकॉर्डिंग टू योर कट ऑफ। आप YouTube पे सर्च करो रिलेटेड वीडियोस ऑफ योर कोर्सेज कि हाँ इतना जा रहा है, इतनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, मैं इतना करके आया हूँ, मैं इतना करके आई हूँ, तो तमाम चीजें, ठीक है। सबसे जो पहला प्रोसेस अब होने वाला है पूरे एग्जाम के बाद आपका आएगा आंसर की। आंसर की ये लोग ऑफिशियली एनटीए अपनी वेबसाइट पे अपने पोर्टल पे अपडेट करता है, जहां से आप अपने आईडी रजिस्ट्रेशन वगैरह डाल के चेक कर सकते हो कि हाँ वहां पे क्वेश्चन भी होता है। जब आंसर की आता है तो नॉट लाइक कि आपको कुछ मैच कराना है, वो दिया रहेगा कि ये क्वेश्चन आईडी ये है, ये क्वेश्चन आया था और आपने ये चूज किया है, करेक्ट आंसर ये होगा। इस तरीके से आप पूरा अपना मार्क्स भी काउंट कर लोगे बस इस आंसर की से। और इस आंसर की में अगर कोई गलती है उनकी साइड से तो आप क्लेम कर सकते हो, यानी फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड नंबर ये है। आंसर की क्लेमिंग का 2-3 डेज मिलता है आपसे, 100-150 रुपए भी लिए जाते हैं और ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है रिजल्ट, यानी अब आपका फाइनली इन सभी चीजों के बाद थोड़ा समय लगेगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा इसी दरमियान जब ये रिजल्ट आ रहा होगा या आने वाला होगा तब तक यूनिवर्सिटीज अपना पोर्टल ओपन कर देती हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल देता है अपना, यानी कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उस यूनिवर्सिटी के भी पोर्टल पे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। जनरली रिजल्ट के बाद ये आना चाहिए, इससे क्या होता है कि आपका मार्क्स भी अपडेट हो जाता है। लास्ट टाइम बीएचओ ने ये रिजल्ट आने से पहले यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिया, जिसकी वजह से ये जो मार्क्स है जो बाद में आया इनको खुद से अपडेट करना पड़ा। और खुद से कैसे अपडेट करेंगे, इन्होंने एनटीए से मांगा कि भाई वो हमें पूरी लिस्ट दो, तो बड़ा मिसमैच हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लेट हो गया था, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। तो उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट के साथ ही कुछ यूनिवर्सिटीज दे देती हैं ऑप्शन, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दे देंगी, और कुछ यूनिवर्सिटीज जो होता है वो रिजल्ट के बाद देती हैं, जैसे इलाहाबाद आराम से उसके बाद ही देता है, ठीक है। तो अब जब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रोसेस है वो है कट ऑफ का, यानी फिर जब आप रजिस्ट्रेशन ऊपर रजिस्ट्रेशन कर दिए, अब यूनिवर्सिटी के पास आपका मार्क्स चला गया, अब ये लोग फाइनल कट ऑफ रिलीज करेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरीके से राउंड में आपका ऑफिशियल कट ऑफ आने लगेगा। छठा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप देखोगे कि आप कट ऑफ में आ रहे हो तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इनके पोर्टल पे, यानी जो काउंसलिंग पोर्टल होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, काउंसलिंग पोर्टल आपका बन जाता है वहां पे, और वहां पे ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और सातवां नंबर है, जब आप उस कट ऑफ में आते हो तो आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है, ये है, फी पेमेंट करना होगा और फाइनली यू विल गेट एडमिशन, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये 8 प्रोसेस है जिसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं यहाँ पे अलग से नोट डाउन करके रखा हूं, जो कि आपको बेहद जरूरी है जानना हो और इस पे अभी से काम शुरू कर देना। जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी
लगभग 10th, 12th और यूजी, ठीक है, ये तीन हो गए। फिर उसके बाद डोमेसाइल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका पीएस सर्टिफिकेट, आपका ईडब्ल्यूएस, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं सब के सब, माइग्रेशन टीसी सब आप अरेंज कर लो अभी इस एक महीने में, क्योंकि लगभग एक महीने का प्रोसेस लगेगा। इस एक महीने में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप कमेंट करोगे तो मैं बता भी दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, वो डॉक्यूमेंट आप अरेंज कर ले, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना जो बच्चे अपियरिंग है यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ अरेंजमेंट देगा, लाइक जो अपियरिंग होंगे यूजी का जो रिजल्ट है फाइनल वाला भी आपके पास नहीं आ रहेगा तो वो भी नहीं लगेगा, जितने सेमेस्टर तक होगा उतने सेमेस्टर तक आपका अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक काम और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी साइड से कर लेना, और वो ये है कि भाई आप लोग ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट रेडी कर लो। कहने का मतलब ये है आप अपने चॉइसेस के बेसिस पे, अपने ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी और अवेबिलिटी के बेसिस पे ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट रेडी कर लो। जैसे आप एनसीआर रेंज में आते हो तो आप डीयू का कोई कॉलेज देख लो पहले से ही कि हाँ हमें इधर ही जाना है, हम इधर ही देख के रखेंगे। कोई बीएचयू आना चाहता है, कोई डीयू जाना चाहता है, जेएन, मतलब जो भी कॉलेजेस के हैं लिस्ट ये आप रेडी कर लेना। मतलब पहली पॉसिबिलिटीज उसके वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे सर्च करके उसके टॉक देख लो, पता चल जाए कि हाँ हमें इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म डालना है, तो अवेयर रहना, ठीक है। उसके बाद आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ के वीडियोस देखो, जिसपे मैं आपको पूरा अपना दे रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब आप मेरा भी चैनल फॉलो करोगे तो यू विल गेट एवरी वीडियो रिलेटेड टू द कट ऑफ कोर्स वाइज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सो फाइनली अभी जो चीजें मैं आपको समझाया आप ये सभी चीजें एकदम फॉलो करिए, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आप अरेंज कर लेना, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज एवरीवन डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। हर हर महादेव।